नमस्ते बच्चों, ग्रेड फोर की कक्षा में आपका स्वागत है आइए बच्चों हम हाँ पढ़ाई आरंभ करते हैं आज के पाठ का उद्देश्य है समानार्थक शब्दों का बोध कराना समानार्थक शब्द क्या है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं आइए बच्चों, मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूं और मुझे बताइए इन चित्रों में क्या अंतर है चित्र को ध्यान से देखिए बताइए क्या दिखाई दे रहा है हाँ बच्चों, दोनों में घर का ही चित्र है पर हम उन्हें अलग नामों से पहचान भी सकते हैं चलिए अब हम समानार्थी शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं बोलिए मकान मकान का समानार्थी शब्द है घर या गृह बोलिए मकान का समानार्थी शब्द है घर या गृह चित्र को देखिए पेड़ पेड़ का समानार्थक शब्द है वृक्ष बोलिए पेड़ का समानार्थक शब्द वृक्ष चलिए चित्र को हम पहचानते हैं स्कूल स्कूल का समानार्थक शब्द है पाठशाला या विद्यालय स्कूल का समानार्थक शब्द पाठशाला या विद्यालय आगे देखते हैं कुत्ता कुत्ते का समानार्थक शब्द है कुकुर बोलिए कुत्ते का समानार्थक शब्द है कुकुर आईना आईने का समानार्थक शब्द है दर्पण मित्र का समानार्थक शब्द है दोस्त या बंधु बोलिए बच्चों मित्र का समानार्थक शब्द है दोस्त या बंधु आइए चित्र को पहचानते हैं पानी का समानार्थक शब्द जल बोलिए पानी का समानार्थक शब्द जल अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं निर्देश पढ़ते हैं दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इस अनुच्छेद में इन शब्दों के समानार्थक शब्द घेरिए कुकुर दर्पण घर मित्रों चलिए समानार्थक शब्दों को घेरते हैं रोहन सुबह जागता है वह नाश्ता करने के बाद विद्यालय के लिए तैयार होता है विद्यालय का समानार्थक शब्द है पाठशाला जो हम विद्यालय को घेरते हैं आगे देखते हैं वह आईने में देखकर कंघी करता है साढ़े आठ बजे वह विद्यालय के लिए निकलता है आईने का समानार्थक शब्द है दर्पण तो हम आईने को घेरते हैं आगे पढ़ते हैं स्कूल पहुंचते ही वह अपने दोस्तों से मिलता है तीन बजे रोहन गृह लौटता है जब रोहन घर लौटता है तब वह अपने कुत्ते टॉमी के साथ खेलता है रोहन एक अच्छा लड़का है आगे बढ़ते हैं स्कूल पहुंचते ही वह अपने दोस्तों से मिलता है तो इस वाक्य में एक समानार्थक शब्द है और वह है दोस्तों तो दोस्त का समानार्थक शब्द है मित्र आगे पढ़ते हैं तीन बजे रोहन गृह लौटता है तो गृह का समानार्थक शब्द है पढ़ते हैं जब रोहन घर लौटता है तब वह अपने कुत्ते टॉमी के साथ खेलता है। तो कुत्ते का समानार्थक शब्द है कुकुर आगे पढ़ते हैं। रोहन एक अच्छा लड़का है तो देखा बच्चों यह काम आसान था आप लोगों को समानार्थक शब्दों को पहचानना था चलिए एक और अभ्यास कार्य करते हैं रिक्त स्थानों में सही समानार्थक शब्द लिखिए पहला शब्द है डाली चित्र को देखिए और पहचानिए डाली क्या है दूसरा शब्द है दवा तीसरा शब्द है चीनी चौथा शब्द है जानवर पांचवा शब्द है लता कोष्ठक के शब्द देखते हैं बेल बेल का मतलब है क्रिपर पशु पशु का मतलब है एनिमल्स दवाई का मतलब है मेडिसिन शक्कर का मतलब है शुगर शाखा का मतलब है ब्रांच पहला शब्द है डाली डाली का मतलब है ब्रांच तो डाली का समानार्थक शब्द है शाखा बोलिए डाली शाखा दूसरा शब्द है दवा दवा का मतलब है मेडिसिन तो दवा का समानार्थक शब्द है दवाई बोलिए दवा दवाई तीसरा शब्द है चीनी चीनी का मतलब है शुगर तो चीनी का समानार्थक शब्द है शक्कर बोलिए चीनी शक्कर चौथा शब्द है जानवर जानवर का मतलब है एनिमल्स तो जानवर का समानार्थक शब्द है पशु पांचवा शब्द है लता लता का मतलब है कृप तो लता का समानार्थक शब्द है बेल आज का विचार है छात्रों को हमेशा अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पाठ को तथा समानार्थक शब्दों को अच्छी तरह से समझा है तो अभी के लिए हमारी कक्षा समाप्त होती है फिर मिलेंगे नमस्ते